श्री राम। राम की नगरी अयोध्या दिव्य दीपोत्सव के लिए सचकर पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या को कुछ इस तरह से सजाया सवारा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार अयोध्या में त्रेता युग वाली दीपावली हो रही हो। पूरे अयोध्या में इस वक्त जश्न सा माहौल है, अवध में राम नाम का जाप हो रहा है। जी हां, श्री राम के आगमन का इंतजार हो रहा है और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं वहां की कि आखिर किस तरीके से जो है अयोध्या नगरी को सजाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण और माता सीता की पूजा अर्चना की, जो हर साल की हमें तस्वीरें देखने को मिलती है। और अब से कुछ ही देर बाद राम की पैड़ी दियों से जगमग हो जाएगी। 21 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड। और अयोध्या में राम का दिव्य दरबार सजा हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने राम, लक्ष्मण और सीता की आरती उतारी है, उनका रथ खुद अपने हाथों से खींचा है। इतना ही नहीं, अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या नगरी राम के स्वागत और दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस बार ऐसी दिवाली का आयोजन हो रहा है जो अब तक कभी नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि इस बार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ राम की पैड़ी में ही 21 लाख दीप जलाएंगे और पूरे अयोध्या में 27 लाख से ज्यादा दीप जलाकर ये दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित सिंह, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, किस तरह का नजारा आज यहां राम की नगरी अयोध्या में देखा जा सकता है? देखिए, हर बार अयोध्या वासी खुद अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 2017 में सबसे पहले जब योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 1 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड से शुरू हुआ और जो हर साल टूटता रहा। इस बार 7वें दीपोत्सव पर 21 लाख दिए केवल राम की पैड़ी पर ही जलाए जाएंगे और ये एक अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पूरे अयोध्या की बात करें तो पूरे अयोध्या में 27 लाख के आसपास दिए जलाए जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम राम मंदिर की बात करें, जो अभी अस्थाई जहां पर रामलला है वो, और जो नए राम मंदिर का, जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा दिए वहां पर जलाए जाएंगे। तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अभी हमने देखा कि किस तरीके से राम कथा पार्क में जो हर साल हम तस्वीरें देखते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता और सबका पूजन किया जाता है। रथ को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने खींचा। अब थोड़ी देर के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएंगे राम की पैड़ी, वहां पर सरयू आरती होगी, बेहतरीन लेजर शो होगा, दिए जलाए जाएंगे। और जैसे ही दिए जलाए जाएंगे, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा, क्योंकि 21 लाख दिए एक जगह पर प्रशांत नहीं जलाए गए। अमित, वो वक्त 2017 का जब 87,000 दियों से शुरुआत की गई थी और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं कि 21 लाख दिए, अपने आप में ये बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस वक्त प्रभु श्रीराम अपना वनवास काटकर लौटे होंगे, शायद अयोध्या नगरी ने इसी तरीके से स्वागत किया होगा प्रभु श्रीराम का। जी हाँ, बिल्कुल। जब त्रेता युग में जब रावण वध करके जब लौटे थे भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ, तो उस दौरान भी दिए जलाकर इसी तरीके से उनका स्वागत किया गया था। पूरा अयोध्या उस दौरान दीपावली का त्यौहार मना रहा था, हर जगह पूरा अयोध्या जगमगा रहा था। उसके बाद ही राम राज स्थापित हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, योगी सरकार, वो भी राम राज की बात करती है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो हर जगह राम राज्य की बात करती है। तो जाहिर तौर पे 21 लाख दिए जब राम की पैड़ी पर जलेंगे और पूरा अयोध्या वासी उसको सेलिब्रेट कर रहा है। बिल्कुल अमित, जो आप कह रहे हैं, बेहद अद्भुत नजारा इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रही है और ये दृश्य बेहद रोमांचित करने वाला है। ये दृश्य जब सरयू तट पर 21 लाख दिए सच करके तैयार है, सांझ ढलते ही ये दीप जगमगाने लगेंगे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है राम की नगरी अयोध्या में। पूरी अयोध्या नगरी में 27 लाख से ज्यादा दिए अब टिमटिमाने के लिए तैयार है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की निगाह
52 देशों के राजदूत भी यहां पर मौजूद हैं और एक बड़ा कार्यक्रम दीपावली से पहले आज छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव के तौर पर जगमगाती राम की नगरी अयोध्या दिखाई दे रही है। आपको याद भी होगा वो वक्त 2017 में जब इसकी शुरुआत की गई थी, मात्र 87,000 दियों से शुरुआत की गई थी और वो भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और उसकी तारीफ सिर्फ भारत ने नहीं पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की थी कि आखिर किस तरीके से राम की पैड़ी पर जो है जब ये दिए जगमग उठे, किस तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए। और सिर्फ राम की पैड़ी पर अगर आज बात करें तो 21 लाख दिए जलाए जाएंगे, लेकिन पूरे अयोध्या में बताएं तो 27 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। क्योंकि कभी अगर आप अयोध्या नगरी जाएंगे तो वहां के कण कण में प्रभु श्री राम की गूंज जो है वो सुनाई देती है। और यकीन मानिए अगर दीपावली की बात करें तो हर घर के बाहर आपको दीपक जलता हुआ नजर आएगा। ऐसा लगता है कि हर प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए हर कोई किस तरीके से दीयों के साथ तैयार खड़ा है। तो मेरे पीछे आप राम मंदिर देख रहे हैं, जिस राम मंदिर का इंतजार 22 तारीख के लिए किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाई रही हूँ, ये राम मंदिर का स्क्रिप्चर भी किस तरीके से पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ आपको हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं, आपको हम दीयों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो दिए तैयार कर दिए गए हैं। 21 लाख का रिकॉर्ड आज तैयार हो जाएगा जिस अयोध्या ने अपने ही रिकॉर्ड को शुरू किया। 1 लाख से इस सफर की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 21 लाख तक पहुंच जाती है और वहां भी किस तरीके से आप दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं तैयारी की जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये दिए भर दिए जाएंगे उसके बाद सभी को जो बच्चे हैं उनको कैंडल्स दे दी जाएगी, उससे ये दिए प्रज्वलित कर दिए जाएंगे और उसके बाद सभी को घाटों से हटा दिया जाएगा क्योंकि उसके बाद में जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम है वो वहां पहुंचेगी और वहां पर काउंटिंग करना शुरू करेगी। वाकई अद्भुत है अयोध्या। एक बार फिर से अगर नसीब तस्वीरें दिखा पाए तो तस्वीर आपको नसीब मेरी भी पीछे की दिखाएंगे कि किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो भी पहुंच रहे हैं और राम मंदिर जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है उसकी भी आज शोभा देखते ही बनती है। वहां पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, प्रथम तल जो बनकर तैयार हुआ जो आप मेरे कैमरे पर भी देख पा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद हमारी टीम अंदर भी पहुंचेगी, अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएगी, लेकिन वाकई आज अयोध्या वो त्रेता युग वाली ही अयोध्या है जिसमें दीप भी है, जिसमें फूलों से सजावट भी है, जिसमें लोगों के मन में राम के लिए वो श्रद्धा भाव, वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ भाव भी है। रामचरितमानस अगर आपने पढ़ी हो, जो भी हमारा दर्शक हो वो पढ़ता भी होगा तो उसको समझ आएगा, वो एक एक बात को उस आज जो हो रहा है यहाँ घटनाक्रम जो मैं देख रही हूँ उससे जोड़कर देख पाएगा और समझ पाएगा कि राम को आप महसूस कर सकते हैं। अयोध्या आज भी वही अयोध्या है, हालांकि छावनी में तब्दील कर दी गई है क्योंकि आज से 2 महीने बाद ही जो है 22 तारीख को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और देखिए सनातन में ये होता है, कहते हैं मूर्ति में कहाँ जान आती है, लेकिन हम मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो ये सनातन की परंपरा है, उसी परंपरा को आगे ले जाएंगे। हर किसी को इंतजार राम मंदिर का हो रहा है, यहाँ आने जाने नहीं दिया जाता, मीडिया तक को मना कर दिया जाता है कि आप नहीं आएंगे, आप परमिशन लेकर ही आ सकते हैं, बहुत मुश्किल से बहुत कहासुरी के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन परमिशन लेने के बाद ही। लेकिन दीपोत्सव बहुत बड़ा कार्यक्रम है, न केवल अयोध्या के लिए, न केवल देश के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए। दुनिया भर को ये देखना होगा, ये समझना होगा कि भारत और खास तौर पर अयोध्या आज भी अपने साथ वो संस्कृति लेकर चल रही है। जो अयोध्या राम छोड़कर गए थे आज भी वैसी ही आपको अयोध्या दिखाई देगी। इस अयोध्या ने कितने कालखंडों तक बहुत कुछ देखा है, जो सरयू जिसके घाट पर आज ये दिए सजाए गए हैं, ये सरयू नदी न जाने किन किन चीजों की गवाह रही है। ये गवाह रही कि राम कभी ठुमक ठुमक कर उसके ही किनारों पर चला करते होंगे जहां ये दिए सजाए गए थे, आज उन्हीं किनारों पर ये दिए लगाए जा रहे हैं उन्हीं राम की याद में। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं, ये दियों की तस्वीरें हैं। मैं इसी सरयू की बात कर रही हूं जिनके किनारे लगे दिए आप देख रहे हैं कि कैसे उस दौर में भी ऐसा ही होता होगा, कैसे ये सरयू नदी जिसके किनारे पर आज ये दिए सजा दिए गए हैं वो वहां कैसे गवाह रही कि राम यहाँ ठुमक ठुमक कर चलते होंगे, राम यहाँ पर अपने भाइयों के साथ आते होंगे, खेलते होंगे। लेकिन इसी सरयू ने एक वक्त, वो भी ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, लगातार मैं तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, श्रद्धालु भी, और नसीब मेरे पीछे वाली एक और तस्वीर दिखाइएगा, ये कॉरिडोर की तरह बनकर तैयार हो रहा है। ये दिखा रहे हैं आप नसीब, जरा आपने वो तस्वीर दिखाई, आप देख पा रहे होंगे ये राम मंदिर का प्रथम तल जो बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा इसी प्रथम तल में होनी है
और ये कॉरिडोर की तरह बनकर तैयार हुआ है। ये जरा अगर आप दिखाएं नसीब कि मैं जब पहले आई थी, क्योंकि मैं यहाँ कई बार आ चुकी हूँ अयोध्या में, तो आप पहले आए होंगे तो आपको हनुमानगढ़ी से एंटर होना होगा, कनक महल से होते हुए आप अयोध्या में राम मंदिर की तरफ जाएंगे। लेकिन ये नया रास्ता तैयार किया गया है जो बहुत भव्य है, दिव्य है। बिरला मंदिर के ठीक सामने से ये रास्ता आता है और बिरला मंदिर से ठीक सामने से आप रामला का ये मंदिर देख सकते हैं। फिर से नसीब अगर आप मुड़ जाए, आप तस्वीर दिखा पाए राम मंदिर की, क्योंकि आज हर दर्शक वही सब कुछ देखना चाहता है। आप सिक्योरिटी की तस्वीरें भी जरा दिखा दे कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ चकाचौंध कर दी गई है, यहाँ पर चाक चौबंद इंतजाम है। एक तरफ आप दियो की तस्वीर देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, और एक तरफ इस राम मंदिर की तस्वीर आप देखिए, जिसका इंतजार न केवल अयोध्या कर रही है बल्कि देश भर में इसका इंतजार किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, जब हम भी यहाँ अयोध्या आते हैं, जो हमारे जानने वाले होते हैं, जो हमारे परिचय में होते हैं, वो लोग ये कहते हैं, अच्छा एक बार मैं आपको सुनवाती हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके द्वारा ही दीपोत्सव शुरू किया गया, आज वो इस सातवें दीपोत्सव पर क्या कह रहे हैं। प्रदेश सरकार के वाहन से, एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए, भरत मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और अभी माननीय राज्यपाल महोदय, पूज्य संतों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों और सामाजिक जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विभूतियों ने भगवान राम की अर्चना की। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। यह दुनिया के 100 से अधिक देशों में पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा है और हर जगह इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है कि कैसे उस समय भगवान राम आए होंगे और कैसे पुष्पक विमान उतरा होगा और कैसे फिर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की होगी। यह दृश्य भी आप सब ने आज यहाँ पर पुनः देखा होगा। दिखाइए ही, मुझे तो आप देख ही रहे हैं और मेरे चेहरे पर ये मुस्कान भी आप देख रहे हैं। हालांकि मैं तो, मुझे ये सौभाग्य मिला कि कई बार अयोध्या आना हुआ, लेकिन उसके साथ साथ मेरे कैमरा पर्सन नसीब, आप जरा यहाँ की भी तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि आज दर्शक, मैं कहूंगी कि हमें सुनना जरूर चाहेगा लेकिन तस्वीरें यहाँ की ज्यादा देखना चाहेगा। जो आप ये सुरक्षाकर्मी देख रहे हैं, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूँ कि इन सुरक्षाकर्मियों को भी कभी कभी ये लगता होगा कि हम कहाँ, हमारी जो है पोस्टिंग हुई है, वाह अवो भाग्य हमारे, क्योंकि इस राम मंदिर के लिए इनके पूर्वजों ने संघर्ष देखा होगा, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष देखा होगा, अपना एक रक्त का कतरा कतरा दिया होगा, जब यहाँ पर किस तरीके से हमने लड़ाई देखी। एक दौर ये भी था, इसी राम लला के मंदिर पर ताला जड़ दिया गया, जरा नसीब तस्वीरें आप दिखाते रहिए, इसी राम मंदिर पर ताला जड़ दिया गया था कि अब कोई नहीं जा पाएगा। लेकिन आज ये दौर आया, आज वो राम राज्य आया कि इस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए हर कोई यहाँ आना चाहता है, बस इंतजार कर रहा है कि 22 तारीख हो, 22 जनवरी, और उसके बाद में हम अपना टिकट कराएं, ट्रेन का, फ्लाइट का, बस का, और सीधे अयोध्या चले आएं, हम भी उस राम मंदिर को देखें। जरा एक बार नसीब घुमाकर आप वो राम मंदिर भी दिखा दें, मैं चाहूंगी दर्शक जरूर वो देखना चाहेंगे। हम भी अंदर भी जाएंगे, अंदर भी जाकर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। न्यूज 18 इंडिया पल पल की तस्वीर आपको अयोध्या की दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। चलिए आप अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं और अंदर जाकर भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए नसीब जरा जल्दी, हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे और अंदर की तस्वीरें भी आप देखते रहिएगा हमारे साथ। चलिए हम आपको लाइव तस्वीरें, जो आप सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर देखेंगे एक्सक्लूसिवली, कोई नहीं दिखाएगा आपको, हम अंदर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बैठे रहिएगा, आज आप दीपोत्सव पर भव्यता की तस्वीरें देखेंगे उस राम मंदिर की, जिसका इंतज़ार सभी ने बड़ी बेसब्री से किया था, और हम जो है अंदर जाकर वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप जरा अंदर का स्क्रीन का फ्रेम भी दिखाते रहिएगा।